स्वागत है एक बार फिर आपका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज हम बात करने वाले हैं एलडीसी परीक्षा के लिए एलडीसी परीक्षा के लिए इंग्लिश की जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है और यहाँ पर हम आज बात करेंगे इसके फर्स्ट टॉपिक की और फर्स्ट टॉपिक है हमारा टेंस टेंस जिसको मैं सिर्फ बीस रूल में आपको बताऊँगा और बीस रूल में ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा 20 रूल से पूरे टेंस को हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा क्या है आज का हमारा टॉपिक है टेंस टॉपिक का नाम है टेंस टेंसिस या टेंस जिसको हम बोलते हैं हिंदी में काल। कि हिंदी में हम इसको काल कहते हैं आप एल का पेपर देने वाले हैं तो आप हो सकता है इंग्लिश मीडियम से बैकग्राउंड नहीं रहा होगा आपका तो तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये क्लास आपको एकदम इजी सरल और आसान शब्दों में मैं आपको पूरा टेंस कराने वाला हूँ देखो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं टेंस के प्रकारों की बात की जाए कि टेंस के प्रकार कितने होते हैं तो टेंस के तीन टाइप होते हैं यानी कि टेंस तीन होते हैं एक तो होता है प्रेजेंट टेंस एक होता है पास्ट टेंस और एक होता है फ्यूचर टेंस प्रजेंट पास्ट और फ्यूचर ये तीन टेंस होते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट तो जो है टेंस वो है पास्ट टेंस सबसे इम्पोर्टेंट ये है सबसे ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से बनते हैं सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी जो है इसी के अंदर हैं लेकिन अपन सभी टेंसिस को पढ़ेंगे हमारे लिए कोई एक महत्वपूर्ण नहीं है हम प्रेजेंट को भी पढ़ेंगे और हम पास्ट को भी पढ़ेंगे और हम प्रजेंट को भी पढ़ेंगे पास्ट को भी और फ्यूचर को भी सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं किसकी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस प्रत्येक टेंस के पार्ट होते हैं चार प्रत्येक टेंस के कितने पार्ट होते हैं चार तो प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट कौन से होते हैं पहला होता है सिंपल प्रेजेंट पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट और इसका दूसरा नाम प्रेजेंट इंडेफिनेट भी हो सकता है इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट भी कहते हैं और इसका दूसरा पार्ट जो होता है प्रेजेंट का वो होता है प्रेजेंट कंटीन्यूस टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूस टेंस का मतलब प्रेजेंट में जो काम जारी है वो और तीसरा टेंस जो होता है इसका वो है प्रजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा टेंस है प्रजेंट परफेक्ट टेंस और जो इसका चौथा टेंस होता है प्रेजेंट का वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस टेंस अब जैसे ये प्रेजेंट का जो पहला टेंस है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस वैसे ही पास्ट का पहला टेंस क्या हो जाएगा सिंपल पास्ट फ्यूचर का पहला क्या हो जाएगा सिंपल पास्ट सिंपल फ्यूचर ऐसे ही हमारा दूसरा टेंस कौन सा है यहां पर हमारा दूसरा टेंस है ये पहला टेंस है हमारा दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस तो पास्ट में दूसरा हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस फ्यूचर में दूसरा हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूस ऐसे ही हमारा ये तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट में तीसरा कौन सा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर का तीसरा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट इसी तरह प्रेजेंट का हमारा चौथा टेंस है चौथा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट में हमारा चौथा टेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर में हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनकी पहचान क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है इसकी पहचान ये है कि इसमें या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई e एस का प्रयोग किया जाएगा और अगर सेंटेंस को नेगेटिव बनाना चाहते हो आप तो फिर आप डू नॉट या फिर डज नॉट का प्रयोग करो डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करो ये तो हुई पहचान किसकी ये पहचान हुई हमारी सिंपल टेंस की सिंपल प्रेजेंट टेंस में दो टाइप की वर्ब आती हैं यानी कि वरब की फर्स्ट फॉर्म और वरब की फर्स्ट फॉर्म ए सी एस और नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डू नोट हो या डज नोट हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा अब किसके साथ डू नोट आता है किसके साथ डज नोट आता है ये मैं आगे बताऊंगा आपको और उसके बाद हमारा दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इसमें एक तो इज एक एम और एक आर ये तीन वर्ब आती हैं और साथ में वरब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है और जो प्रजेंट परफेक्ट टेंस है हमारा प्रजेंट परफेक्ट इसमें दो वर्ब आती हैं या तो हैज़ या हैव हैज़ हो या हैव हो दोनों के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और तीस चौथा टेंस है इसका प्रजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इसमें हम किसका यूज़ करते हैं हम बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई का यूज़ करते हैं है, या फिर हम बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई का यूज़ करते हैं और साथ ही साथ हम इस टेंस में समय को बताने के लिए सिंस और फोर का भी यूज़ करते हैं सिंस किसके लिए यूज़ होता है सिंस डेफिनेट टाइम या निश्चित समय जैसे कि दो हज़ार चौबीस निश्चित समय है जैसे जून निश्चित महीना है जैसे मॉर्निंग निश्चित समय है दिन का कोई पार्ट या फिर संडे या मंडे जो भी है कोई भी निश्चित दिन का नाम है निश्चित महीने का नाम है या निश्चित साल का नाम है या निश्चित दिन के किसी पार्ट का नाम है तो उसको हम निश्चित समय मानते हैं अनिश्चित समय किसको मानते हैं अनिश्चित समय वो मानते हैं कितने भी चाहे मिनट्स हों चाहे कितने भी मिनट्स हों सेकेंड्स हों आर्स हों या डेज हो मंथ्स हो ईयर्स हो इसको हम अनिश्चित समय मानते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस की प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं चार प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है ये कह सकते हो चाहे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में वरब की फर्स्ट फॉर्म या वरभ की फर्स्ट फॉर्म एस सी एस का प्रयोग होता है अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डू नोट डज नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा और अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहे हो तो इसमें इजमार और वरब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हो तो आप हैज हैव प्लस वरब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा आगे बताऊंगा कि हैज किसके साथ और हैव किसके साथ अगर आप बिल्कुल भी टेंस के बारे में नहीं जानते तो मैं बताऊंगा कि हैज किसके साथ आता और है और हैव किसके साथ आता है और उसके बाद चौथा टेंस है हमारा कौन सा चौथा टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इसमें हैज बीन हैव बीन का प्रयोग किया जाता है साथ ही हम वरब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज करते हैं और जो निश्चित समय होता है उसके लिए सिंस अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग करते हैं निश्चित है निश्चित समय कैसे पहचानोगे आप निश्चित समय किसी पर्टिकुलर साल का नाम होगा किसी पर्टिकुलर महीने का नाम होगा किसी पर्टिकुलर दिन का नाम होगा या दिन के किसी भाग का नाम होगा जैसे मॉर्निंग इवनिंग वगैरह ठीक है अब स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहला टेंस सबसे पहला टेंस कौन सा है हमारा सबसे पहला टेंस है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस इसको कैसे यूज़ करते हैं क्या 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 यूज़ हैं क्या क्या रूल हैं उसको हम देखते हैं चलिए बच्चों देखते हैं सिंपल प्रजेंट टेंस यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी सिंपल प्रजेंट टेंस की यहाँ पर हम बात करेंगे सिंपल प्रजेंट टेंस की सबसे पहले हमारा पहला टेंस है सिंपल प्रजेंट टेंस सिंपल प्रजेंट टेंस बोल दो इसको या फिर हम इसको प्रजेंट इंडेफिनेट टेंस भी कहते हैं सिंपल प्रजेंट या प्रजेंट इन डेफिनेट टेंस का क्या यूज़ है देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी सेंटेंस में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है सबसे पहले अगर किसी सेंटेंस में ये देखो कि यूनिवर्सल ट्रुथ का प्रयोग हो रहा है यूनिवर्सल ट्रुथ किसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ होता है सार्वभौमिक सत्य ऐसी कोई बात जो हमेशा से सत्य है उसको अपन बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य है, या इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ अगर किसी सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ हुआ तो फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा और सिंपल टेंस में दो टाइप की वर्ब आती हैं या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस अब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा जैसे सब्जेक्ट ही है या शी है या सब्जेक्ट इट है या सब्जेक्ट किसी का नाम है तो इससे आप समझ लो कि ये सिंगुलर हैं या कोई भी वैसे भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आप उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस एस का यूज़ करोगे और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है जैसे आई है जैसे वी है जैसे यू है जैसे दे है इस तरह का अगर आपका सब्जेक्ट है या प्लूरल कोई सब्जेक्ट है तो फिर आप उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करोगे खाली फर्स्ट फॉर्म और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस सी एस बस ये तो दो टाइप की वर्ब का ही यूज होगा अब कहाँ कहाँ होगा ये दो टाइप की वर्ब का यूज़ पहला ये रूल है कि यूनिवर्सल ट्रुथ अगर किसी सेंटेंस में आपको यूनिवर्सल ट्रुथ दिखता है यूनिवर्सल ट्रुथ किसको बोलेंगे सार्वभौमिक सत्य को अगर किसी सेंटेंस में कोई ऐसी बात है जो हमेशा से सच है उसको यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं वहाँ पर हमेशा सिंपल टेंस का यूज़ होगा तो इसका मतलब कौन सी वर्ब का यूज़ होगा या तो फर्स्ट फॉर्म होगा या ए सी एस ये फर्स्ट फॉर्म आएगी ए सी एस ये सब्जेक्ट से डिसाइड होगा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सी एस आएगा सब्जेक्ट प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म आएगा अब एक एग्जांपल से अपन इस बात को समझते हैं जैसे मान लो कि अपने पास ये एग्जांपल है अपने पास क्वेश्चन ऐसे आ गया कि द अर्थ द अर्थ स्पेस राउंड द सन राउंड द सन पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और अपने को एग्जाम में अपन को में गये, गये, उप्षयन। उप्षयन मिल गए ऑप्शन ऑप्शन कहाँ मिल गए ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन नंबर पहला है कि मूवस ऑप्शन नंबर सेकंड मिल गया मूव ऑप्शन नंबर थर्ड मिल गया मूड और ऑप्शन नंबर फोर्थ मिल गया इज़ मूविंग इज मूविंग ये चार ऑप्शन हैं अपने पास पहला है द अर्थ राउंड द सन क्वेश्चन है द राउंड अर्थ राउंड द सन पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो हमें पता है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है अब यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वर्ब कौन सी आनी चाहिए इसके साथ वर्ब या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या फर्स्ट फॉर्म ए सी एस आएगी लेकिन सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ये आएगी सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो ये आएगी हम इस सेंटेंस में देख रहे हैं अर्थ अर्थ तो सिंगुलर है सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ए सी एस का प्रयोग होना चाहिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ये द अर्थ मूव्स राउंड द सन इसी तरह द सन राइज इन द ईस्ट सूर्य सूर्य जो है वो ईस्ट से उदय होता है द सन सेट इन द वेस्ट सूर्य जो है पश्चिम में अस्त होता है ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब सार्वभौमिक सत्य अगर सार्वभौमिक सत्य किसी भी सेंटेंस में है तो वहाँ आप पर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में दो ही वर्ब होती हैं या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होम यस या एस नेगेटिव सेंटेंस होता है तब तो बात अलग है कि डू नोट और डज नोट का प्रयोग होता है सिंगुलर के साथ डू नोट और प्लुरल के साथ डज नोट का प्रयोग होता है ठीक है और कहाँ यूज़ होता है ये टेंस उसके लिए अपन आगे बढ़ते हैं रूल नंबर सेकंड पर पहुँचते हैं अब हमारा रूल नंबर सेकंड ये रूल नंबर सेकंड कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में साइंटिफिक ट्रूथ है साइंटिफिक ट्रूथ साइंटिफिक ट्रूथ क्या होता है साइंटिफिक ट्रूथ होता है कोई वैज्ञानिक सत्य अगर किसी सेंटेंस में कोई वैज्ञानिक सत्य है मतलब विज्ञान के द्वारा कोई बात सही साबित की गई है उसको वैज्ञानिक सत्य कहते हैं वैज्ञानिक सत्य होगा तो फिर सेंटेंस में फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होगा और सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको मैं बार बार बता रहा हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्ब की फर्स्ट होम या वर्ब की फर्स्ट होम के साथ एस सी एस को मानते हैं अब एक एग्जाम्पल देख लीजिए एग्ज़ाम्पल देखते हैं अपने एग्जाम्पल है हमारे पास कुछ इस तरह से ये एग्ज़ाम्पल है हमारे पास कि वाटर वाटर स्पेस और यहाँ पर अपन ब्रैकेट में लिखते हैं बॉयल एट हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पानी सौ डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है ये एक वैज्ञानिक सत्य है साइंस ने ये प्रूव किया है साइंस के थ्रू हम जानते हैं कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है तो ये एक साइंटिफिक ट्रूथ है तो साइंटिफिक ट्रूथ है तो किसका यूज़ होना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होना चाहिए या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होम एस पानी तो अनकाउंटेबल है और जो अनकाउंटेबल होता है उसको सिंगुलर मानते हैं तो वर्ब सिंगुलर आएगी और वर्ब सिंगुलर आएगी इसका मतलब एस एस आएगा तो यहाँ पर हम बॉयल का क्या लिखेंगे यहाँ पर हम बॉयल का लिखेंगे बॉयल्स तो यहाँ पर होगा वाटर बॉयल्स एट हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड तो किसी भी सेंटेंस संटे में, में अगर साइंटिफिक ट्रुथ होगा तो आप समझ जाओ कि वहाँ सिंपल टेंस का यूज़ होगा और सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कहाँ हो सकता है चलिए आगे चलते हैं नंबर तीन तीसरा नंबर यूज़ कहाँ है तीसरा नंबर यूज़ ये कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में प्रोवर्ब है प्रोवर्ब किस बोलते हैं दोस्तों प्रोवर्ब होती है कोई भी कहावत अगर किसी सेंटेंस में कोई कहावत है तो उसमें भी सिंपल टेंस का यूज़ होता है कहावत कोई सी भी हो उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है तो यहाँ पर कुछ कहावतें है, देखते हैं अपने जैसे मान लो ये क्वेश्चन है स्लो स्लो एंड स्टडी स्लो एंड स्टडी और फिर यहाँ पर स्पेस है द रेस ये क्वेश्चन है द रेस अब मान लो कि आपके पास दो ऑप्शन है मैं चार ऑप्शन नहीं दे रहा दो ही दे रहा हूं एक ऑप्शन है आपके पास विन और एक ऑप्शन है आपके पास विंस स्लो एंड स्टडी विन द रेस या विंस द रेस धीरे और लगातार चलने वाला रेस जीतता है ये एक कहावत है तो यहाँ पर आपको देखने में भले ही दो सब्जेक्ट दिख रहे हैं कौन कौन से यहाँ पर आपको स्लो एंड स्टडी देखने में दो सब्जेक्ट हैं बट ये एक ही आइडिया देते हैं तो इसको अपन सिंगुलर मानेंगे सिंगुलर मानेंगे तो वर्ब आएगी सिंगुलर तो यहाँ पर आ जाएगा विंस स्लो एंड स्टडी विंस द रेस इसी तरह अपन कहते हैं समय और लहरें किसी का इंतजार नहीं करते तो तो अपन ऐसे बोलते हैं टाइम एंड टाइड टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन वेट्स फॉर नन समय और लहरें किसी का इंतज़ार नहीं करते तो यहाँ पर भी हम वर्ब सिंगुलर लगा रहे हैं वर्ब सिंगुलर ये है और आप देख रहे हो कि टाइम एंड टाइड ये तो दो सब्जेक्ट है तो प्लूरल होना चाहिए नहीं इनको सिंगुलर मानते हैं ऐसे कई जोड़े हैं जो आपको देखने में तो प्लूरल लगेंगे लेकिन होते सिंगुलर हैं ऐसे कौन कौन से जोड़े हैं मैं आपको यहाँ बता देता हूँ इन जोड़ों का ध्यान रखना है ये प्लूरल नहीं ये सिंगुलर माने जाएंगे कौन कौन से हैं देख लो ये जोड़े जैसे टाइम एंड टाइड स्लो एंड स्टडी तो है ही इसके अलावा ब्रेड एंड बटर ब्रेड एंड बटर ये भी जो है ना वो सिंगुलर माना जाएगा इसलिए अपन बोलते हैं ब्रेड एंड बटर और वर्ब सिंगुलर आ जाएगी मेक्स ए गुड ब्रेकफास्ट इसमें भी सिंपल टेंस आता है मेक ए गुड ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट ठीक है यहाँ पर ब्रेड एंड बटर को भी सिंगुलर ही मानना है अपने को ऐसे राइस एंड करी भी हो सकता है हॉर्स एंड कैरियज भी हो सकता है इनको भी सिंगुलर मानना है लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है अपवाद क्या है कि आपको पॉवर्टी एंड मिजरी को एक नहीं मानना गरीबी और दरिद्रता पॉवर्टी एंड मिज़री पॉवर्टी एंड मिज़री ये इसको प्लूरल मानना है इसको क्या मानना है प्लूरल और जब अपन प्लूरल मानेंगे तो वर्ब प्लूरल होगी और वर्ब प्लूरल क्या होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके अलावा आप क्राउन एंड ग्लोरी को भी प्लूरल मानो क्राउन एंड ग्लोरी क्राउन एंड ग्लोरी क्या होता है क्राउन एंड ग्लोरी होता है शानो शौकत इसको भी प्लूरल मानना है प्लूरल मानना है तो इसके साथ भी वर्ब कौन सी आएगी इसके साथ भी वर्ब प्लूरल आएगी और वर्ब प्लूरल कब होती है वर्ब की एस एस अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं जैसे अपन बोलते हैं पॉवर्टी एंड मिजरी पॉवर्टी एंड मिजरी पॉवर्टी एंड मिजरी और यहाँ पर अपन कहते हैं कम टुगेदर गरीबी और दरिद्रता दोनों साथ आते हैं तो यहाँ पर देखो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया और यही होना चाहिए अगर यहाँ पर आप कम्स लिख दोगे अगर इसके बदले आप क्या लिख देते कम्स तो कम्स तो सिंगुलर होता है क्योंकि जिस वर्ब के साथ ऐसी एस होता है वो सिंगुलर होता है जबकि आपको पॉवर्टी एंड मिजरी को प्लूरल मानना है और क्राउन एंड ग्लोरी को भी आपको प्लूरल मानना है ब्रेड एंड बटर को सिंगुलर मानना है टाइम एंड टाइड को सिंगुलर मानना है स्लो एंड स्टडी को सिंगुलर मानना है और राइस एंड करी हॉर्स एंड कैरीज इन सब को सिंगुलर मानना है सोडा एंड विस्की को भी सिंगुलर मानना है बस इन दो को पॉवर्टी एंड मिजरी क्राउन एंड ग्लोरी किसी प्रोवर प्रोवर्ब में ये आ जाते हैं तो इनको आप सिंगुलर मानेंगे उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक अंतिम हमारा रूल ये है कि अगर आपको किसी सेंटेंस में इमोशन को बताना है इमोशन या फीलिंग इमोशन या फीलिंग बतानी है यानी कि हिंदी में हम कह सकते हैं कि मनोभाव अगर आपको अपने मनोभाव बताने हैं तो वर्ब सिंगुलर uh, आएगी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है इमोशन एंड फीलिंग को भी अपन सिंपल टेंस में बताते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताते हैं तो जैसे अगर अपने एक सेंटेंस देखें कि अगर मैं ऐसे लिखूं आई लव माई पेरेंट्स मैं अपने माता पिता से प्रेम करता हूँ तो यहाँ पर जो है ना लव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये सिंपल टेंस को बताता है ये मनोभाव है ये फीलिंग है मनोभावों और फीलिंग को भी अपन सिंपल टेंस से बताते हैं और अपन को पता है सिंपल टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस एस का यूज़ होता है इसके आपके एल के एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ें काफ़ी हैं लेकिन इसके अलावा भी सिंपल टेंस के काफ़ी यूज़ होते हैं जैसे न्यूज़पेपर की हेडलाइन बतानी हो तब भी सिंपल टेंस का प्रयोग होता है और अगर रनिंग कमेंट्री हो मतलब आँखों देखा हाल किसी खेल का तब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है किसी हैबिचुअल एक्शन को बताना हो मतलब आदतन संबंधित किसी कार्य को बताना हो तब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है हाँ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है सिंपल प्रेजेंट टेंस की उसको और बता देता हूँ मैं जो कि कंडीशनल सेंटेंस में इसका यूज़ होता है अब वो यूज़ कौन सा है उसको और देख लो लास्ट तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की ये बातें हमारी खत्म हो जाएंगी देखो एक कंडीशनल सेंटेंस होता है कंडीशनल सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस किसको बोलते हैं अपन कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं शर्त वाला कोई वाक्य है ऐसे सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं एक से सेंटेंस का एक पार्ट कहलाता है इफ़ क्लोज जो इफ से शुरू होता है और इस सेंटेंस के दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं मेन क्लोज जो सेंटेंस इफ़ से शुरू होता है उसको इफ़ क्लोज और दूसरा सेंटेंस मेन क्लोज कहलाता है आप क्लोज से भ्रमित ना हो क्लोज़ का मतलब वाक्य होता है या कोई सेंटेंस होता है अब देखो इफ़ क्लोज में अगर आपके पास वर्ब की फर्स्ट होम है या वर्ब की फर्स्ट होम एस ई एस है एस या ई एस है तो आप दो काम कर सकते हो आप अगले पार्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस एस भी लिख सकते हो और आप अगले पार्ट में विल या शेल भी प्लस विल या शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म भी लिख सकते हो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी है तो तब लिखोगे जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो या साइंटिफिक ट्रूथ हो ऐसी कोई बात हो तब लिख सकते हो बाकी जनरली आप विल शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं जैसे अपने पास मान लो इस तरह का क्वेश्चन है इफ़ यू क्वेश्चन ये है इफ़ यू वर्क हार्ड यदि तुम कड़ी मेहनत करते हो इफ़ यू वर्क हार्ड फिर आता है यू विल गेट सक्सेस यू विल गेट सक्सेस यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे करते हो तो तुम सफलता पाओगे अब देखो ये वाला जो सेंटेंस था ये इफ़ इफ़ से शुरू हो रहा था इफ़ क्लोज है और इसमें वर्ब की फर्स्ट होम आ रही है वर्क तो अगले वाले पार्ट में क्या आ रहा है विल प्लस फर्स्ट होम इसलिए ये सेंटेंस यहाँ पर करेक्ट है और इफ़ के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जैसे इफ़ यू ऐसे लिखते हैं अपन इफ़ यू हीट वाटर यदि तुम पानी को हीट करते हो अर्थात गर्म करते हो तो फिर इट बॉयल्स ये उबलता है इट बॉयल्स तो यहाँ पर हमने देखो सिंपल प्रजेंटेंस का यूज़ किया है और वर्ब की फर्स्ट वो ऐसी इसका यूज़ किया है क्योंकि पानी को गर्म करना और पानी का उबलना एक साइंटिफिक ट्रुथ है और साइंटिफिक ट्रुथ को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से बताते हैं यानी कि वर्ब की फर्स्ट होम एस सी ई एस बस से बताते हैं तो यहाँ पर इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट होम थी तो अगले पार्ट में फर्स्ट होम एस ई एस ही का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पर जो है यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है यहाँ पर साइंटिफिक ट्रुथ है साइंटिफिक ट्रुथ को बताने के लिए हम विल शेल का प्रयोग नहीं करेंगे यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट होम एस ई एस का प्रयोग करेंगे तो दोस्तों ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पर कंप्लीट होता है और अगली क्लासेज़ में हम कुछ और टेंसेज़ पढ़ेंगे टोटल 20 रूल में हम पूरे टेंस को कंप्लीट करेंगे तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं नमस्कार